तो पूरी दुनिया को नए साल का बेसब्री से इंतजार है और हिंदुस्तान में नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग हिल स्टेशन का रुख कर रहे हैं। शिमला और मनाली में सैलानियों की भीड़ जुटी हुई है और सरकार ने भी होटल रेस्टोरेंट को 24 घंटे खोलने की इजाजत दे दी है। अब शिमला और मनाली के बाजार तो दिन रात गुलजार रहेंगे। अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं और किस तरीके से शिमला में जश्न का माहौल है, सैलानी उमड़ रहे हैं नए साल की जश्न की तैयारी के लिए। और इसी तरह यहाँ पर आप चमोली की तस्वीर भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी जो पर्यटक हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं और हर तरफ बर्फ की सफेद चादर और ठंड के चलते मौसम इस वक्त पहाड़ों में खुशनुमा हो गया है। उदयपुर में भी लोग पहुंच रहे हैं, पर्यटकों का आने का सिलसिला यहां पर भी चल रहा है, बुकिंग फुल है। जैसलमेर में भी जो भारतीय पर्यटक हैं उनके अलावा विदेशी पर्यटक भी यहां पर पहुंच रहे हैं दूर दूर से। ठंड के इस मौसम में न्यू ईयर के इस मौके पर जश्न मनाने की तैयारियां हर तरफ नजर आ रही हैं। वहीं बनारस में भी तैयारियां पूरी हैं और भक्त यहां पर पहुंचे हैं बाबा के दर्शन के लिए। तो नए साल के स्वागत की तैयारी के लिए हर जगह यहां पर इस वक्त फिर चाहे प्रशासन हो या फिर होटल्स हो, उनकी तरफ से तैयारियां कर ली गई हैं और हिल स्टेशन के अलावा राजस्थान में भी पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। यहां पर भी पर्यटक भारी तादाद में पहुंच रहे हैं न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए। उत्तराखंड का जोशीमठ और औली पर्यटकों से गुलजार है। तापमान कम होने से यहां के प्राकृतिक नजारे सैलानियों को काफी पसंद आ रहे हैं। हालांकि यहां पर पर्यटकों को बर्फबारी का इंतजार है, लेकिन कड़ाके की ठंड के बावजूद जश्न के दीवाने नए साल के लिए यहां पहुंच रहे हैं। ऐसे नजारे सैलानियों को आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता सबका मन मोह रही है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के औली की हैं। आजकल ये इलाका ऐसे कई खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों से भरा पड़ा है। औली में तापमान भले ही शून्य से नीचे हो, लेकिन पर्यटकों से गुलजार है। देश भर से सैलानी यहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए पहुँच रहे हैं। इस सीजन में होने वाली बर्फबारी की वजह से औली मशहूर है और यहाँ का स्कीइंग रिजॉर्ट को लेकर भी सैलानी रोमांचित रहते हैं। लेकिन इस बार टूरिस्टों में थोड़ी निराशा जरूर है, क्योंकि इस बार अभी तक वैसी बर्फबारी नहीं हो सकी है जिसकी उम्मीद की जाती है। जोशीमठ में पारा शून्य से नीचे खिसक चुका है, इसलिए कड़ाके की ठंड है। लेकिन यहाँ की नगर पालिका ने टूरिस्टों के लिए खास इंतजाम किए हैं। इस वर्ष भी देखा आपने, इस वर्ष लगातार तापमान में काफी गिरावट आई है। औली घूमने के लिए पर्यटक काफी संख्या में जोशीमठ पर्यटक आ रहा है और नगर पालिका प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष भी पालिका के द्वारा 15-20 दिनों से अलाव की व्यवस्था कर दी गई है। ये हाल तब है जब औली और जोशीमठ में बर्फबारी नहीं हुई है। यहाँ के सारे होटल रिजॉर्ट फुल है। बेशक इस समय चमोली जिले में जबरदस्त ठंड है, लेकिन ये सैलानियों को पसंद आ रहा है। पूरा इलाका पर्यटकों से पटा पड़ा है। यहाँ नए साल का जश्न मनाने के लिए जोशीमठ और औली में पर्यटक पहुँचने लगे हैं। प्रशासन इस कोशिश में लगा हुआ है कि यहाँ आने वाले अतिथियों को कोई दिक्कत न हो। स्पॉटों पर जहाँ पर्यटक रुकता है, रात को हमारे गश्त दल वाले, पुलिस के गश्त दल वाले रुकते हैं। इन स्थानों में लगातार हम 15-20 दिनों से अलाव की व्यवस्था की है, जिससे हमारे टूरिस्टों को और जो राहगीर हैं, जो हमारे साधु संन्यासी है, इन लोगों को किसी तरह से शीत का सामना न करना पड़े। इस समय जोशीमठ से औली आने वाला रोपवे पूरी तरह से पैक चल रहा है। सर्द मौसम के बावजूद नए साल के मौके पर यहां सैलानियों की तादाद और बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों में भी उत्साह दिखाई दे रहा है। जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो हिमाचल हो, उत्तराखंड हो या फिर राजस्थान हो, हर तरफ यहां पर नए साल के जश्न की तैयारियां जोरों पर है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई क्योंकि हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है नए साल का। नए साल के जश्न मनाने के लिए हिल स्टेशन का रुख यहां पर हम कर ही रहे हैं। साथ ही साथ बता दें कि शिमला और मनाली में इस वक्त सैलानियों का जमावड़ा लगा हुआ है और यहां की जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, उनको सरकार की तरफ से परमिशन मिल गई है कि वो 2400 घंटे खुल सकते हैं, जिसके बाद यहां पर शिमला और मनाली के बाजार गुलजार हो गए हैं।
जाना चला पाए नए साल के जश्न का जोश, डांस के मस्ती में डूबे सैलानी, डिस्को में तब्दील हो गया मनाली का मॉल रोड, नए साल के स्वागत की ये जबरदस्त तैयारी, ये जोशीला म्यूजिक है, डांस की मस्ती है, बर्फीली ठंड में सैलानियों का जोश हाई है। नए साल का स्वागत करने के लिए इन दिनों मनाली में सैलानियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। दिन हो या रात, मॉल रोड हर वक्त सैलानियों से भरा दिखता है। शाम ढलते ही ये जोश सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। नए साल के स्वागत के लिए मॉल रोड पर डिस्को लाइट्स के साथ डीजे का इंतजाम किया गया है। इस शानदार इंतजाम का सैलानी भी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। पूरा मजा आ रहा है यहाँ पर। अमेजिंगली कोल्ड है पर फुल टू एंजॉय। यू कैन सी माहौल इज टोटली इलेक्ट्रिक एंजॉयबल, लॉट ऑफ एनर्जी इज देयर। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, और इस तरह का हम लोगों को देख के हम लोगों में मतलब वी आर फ्रॉम द नागपुर और इतना हम लोग माइनस में यहाँ पे झेल रहे हैं, लेकिन मतलब बहुत ही फन है यहाँ पे। इट इज नॉट बियॉन्ड इमेजिनेशन। देर रात तक मनाली की गलियां जश्न के म्यूजिक से गूंजती रहती हैं, और सुबह की पहली किरण के साथ ही एक बार फिर मॉल रोड पर सैलानियों की चहल पहल बढ़ जाती है। दुल्हन की तरह सजी मनाली की सड़कें नए साल के साथ साथ सैलानियों का भी दिल खोलकर स्वागत कर रही हैं। यहां कई किलोमीटर तक सड़कों को रंग बिरंगे झालर से सजाया गया है। चौक चौराहों को संवारने के साथ साथ होटल और रेस्तरां की सूरत भी बदल दी गई है। रंग बिरंगे गुब्बारों से सजे होटल सैलानियों को लुभाने के लिए कई बेहतरीन ऑफर भी दे रहे हैं। सबसे ब्यूटीफुल मुझे यहाँ का नेचर लगा, माउंटेन्स लगे, स्नो कैप्ड माउंटेन्स। जब सुबह उठ के देखते हैं होटल रूम से बाहर, बहुत ही सुंदर साइट है। ऐसी साइट तो हमने कभी देखी नहीं थी, तो बहुत सुंदर लग रहा है। और एडवेंचर टूरिज्म भी काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ विंटर कार्निवल भी होगा जिसमें विंटर क्वीन चुनी जाएंगी। यहाँ पर्यटक लजीज पकवानों का लुत्फ उठा सकेंगे। कई होटलों में सैलानियों के मनोरंजन के लिए खास प्लानिंग की गई है। एक तरफ जहाँ मनाली जैसे पर्यटन शहरों में विंटर कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है, विंटर क्वीन चुने जाने का कार्यक्रम किया जा रहा है, नाच गाने के कार्यक्रम हो रहे हैं, वहीं सभी जगहों पर स्थानीय व्यंजनों को परोसने की तैयारियां भी कर ली गई है। तैयारी बता रही है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में नए साल का जश्न बीते सालों के मुकाबले बेहद शानदार होगा, क्योंकि यहाँ सुबह से लेकर देर रात तक पार्टियों का दौर चलता रहेगा। नहीं, बहुत मजा आया, क्योंकि आप यहाँ की खूबसूरती देखोगे, नेचर देखोगे, आपकी आंखें भर आएगी। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, नाइस। नए साल के स्वागत के लिए हिमाचल सरकार ने भी नई सौगात दी है। राज्य सरकार ने यहाँ 2 जनवरी तक होटल, ढाबे और रेस्तरां को 24 घंटे खोलने की इजाजत दे दी है। सैलानियों के स्वागत में शिमला भी पीछे नहीं है। जायके के शौकीनों के लिए यहाँ इन दिनों हिम ईरा फूड फेस्टिवल भी चल रहा है। इस फेस्टिवल में देश भर से पहुंचे सैलानी हिमाचली डिशेज का लुत्फ उठा रहे हैं। नए साल के जश्न को और खास बनाने के लिए सैलानी हिल स्टेशनों का रुख कर रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन सैलानियों की ख्वाहिश पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मनाली से मनविंदर अरोड़ा और मंजीत सहगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उधर राजस्थान की अगर बात करें तो यहां के मशहूर शहर भी टूरिस्टों से पटे पड़े हैं। उदयपुर का मौसम न्यू ईयर का सेलिब्रेशन को दोगुना कर रहा है, तो जैसलमेर का रेगिस्तान पर्यटकों को लुभा रहा है। नए साल के स्वागत पर जश्न की रौनक सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं है, राजस्थान के शहर भी सैलानियों को आकर्षित कर रहे हैं। झीलों की नगरी उदयपुर इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए यहां बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानी पहुंच रहे हैं। राजस्थान सरकार ने भी सैलानियों के लिए खास इंतजाम किए हैं।
उदयपुर में खास जगहों पर लोक कलाकार सैलानियों को अपनी कला से मनोरंजन कर रहे हैं। उदयपुर का मौसम भी लोगों को काफी रास आ रहा है, क्योंकि यहाँ सुबह और शाम ज्यादा ठंड होती है जबकि दिन में मौसम काफी गर्म रहता है। यहाँ पर बहुत ही एक तो हिस्टोरिक जगह है, यहाँ पर बहुत कुछ देखने के लिए है फैमिली के साथ, और यहाँ पर इसका वेदर भी बहुत अच्छा है जो हमें मुंबई में नहीं मिलता है। उदयपुर मेवाड़ और बहुत ही प्यारी जगह है, झीलों की नगरी से कहते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, तो यही रहता है कि ये बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे कोऑपरेटिव दिख रहे हैं मुझे, और ये जो लेक आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो भी बहुत काफी खूबसूरत है। छुट्टियां बिताने के लिए यहाँ पहुँचे सैलानियों में बोटिंग को लेकर भी अलग रोमांच देखा जा रहा है। यहाँ के टिकट काउंटर पर बड़ी लाइनें देखी जा रही हैं, सड़कें भी बाहर की गाड़ियों से भरी हुई हैं। उदयपुर के खास जगहों को देखने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं। दो साल बाद उदयपुर में सैलानियों की ऐसी भीड़ देखकर स्थानीय कारोबारी भी काफी खुश हैं। 31 के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन रखा है जिसमें कि देश और विदेश से आने वाले सैलानी जो है वो ये अपने न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर सके और अपने आने वाले साल को यादगार बना सके। राजस्थान का शहर जैसलमेर का इतिहास और सुंदरता पर्यटकों को हर मौसम में आकर्षित करता है, इसलिए यहाँ देश ही नहीं विदेशों से भी सैलानी आते रहते हैं। जैसलमेर शहर की अपनी संस्कृति है। जैसलमेर में आजकल न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पर्यटकों का हुजूम उमड़ रहा है। यहाँ के होटल्स और रिजॉर्ट में खास इंतजाम किए जा रहे हैं। जैसलमेर शहर अपनी मेहमानबाजी के लिए जाना जाता है, लेकिन ठंड के वक्त यहाँ का मौसम भी लोगों को लुभाता है। ऊपर से शहर के चारों तरफ फैले रेगिस्तान भी लोगों को आकर्षित करता है। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। धर्मनगरी काशी में नए साल के आगमन पर हर साल 31 दिसंबर को और साल के पहले दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगती है। ऐसे में इस बार श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा के लिए पुख्ता योजनाएं बनाई गई हैं, नई व्यवस्था की गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर में 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक श्रद्धालुओं को झांकी दर्शन मिलेगा। यहां तक बाबा के मंदिर में आने वाली वीआईपी भी गर्भगृह तक नहीं जा पाएंगे। शहर में ट्रैफिक को देखते हुए वीआईपी को जलमार्ग से आने की व्यवस्था की गई है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में नव वर्ष के अवसर पर श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने की संभावना है, तैयारियां की जा रही है। साथ साथ श्रद्धालुओं को सुविधाएं विकसित करने का भी हमने बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। साथ ही कुछ मूलभूत परिवर्तन भी किए जा रहे हैं, जैसे दिन पूरे दिन झांकी दर्शन रहेगा। जैसे झांकी दर्शन रेगुलर रहता है डेली, में प्रवेश दिया जाता है। तो केदार धाम के बाद अब बात काशी विश्वनाथ मंदिर की कर लेते हैं, जहां पर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को खास तरह का प्रसाद चखने का मौका मिलेगा, और इस खास प्रसाद को लेकर मंदिर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। काशी विश्वनाथ के दरबार में श्रद्धालुओं को जल्द ही यहां का विशेष प्रसाद ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। इस विशेष प्रसाद के लिए मंदिर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के विश्वनाथ कॉरिडोर या विश्वनाथ धाम का स्वरूप मिलने के बाद यहां श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है। इससे चढ़ावा भी एक साल में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए अब मंदिर प्रशासन देश के बड़े मंदिरों की तर्ज पर अपना एक अलग विशेष प्रसाद तैयार करने में जुटा है। ये विशेष प्रसाद किस प्रकार का होगा इसका निर्णय होना अभी बाकी है, लेकिन ये तय है कि नववर्ष में बाबा विश्वनाथ के भक्तों को विशेष प्रसाद ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। ये बिल्कुल यूनिक होगा, ब्रांड हो या जिसको कह सकते हैं, कि मेरा ये मानना है कि हम इतने बड़े धाम को देख रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, इतनी श्रद्धालु आ रहे हैं, तो हर कोई चाहता है कि बाबा विश्वनाथ के नाम से जो प्रसाद मिले वो वहीं मिले और कहीं ना मिले, ऐसा प्रसाद हो, तो उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और अब रुख करते हैं जमीन की जन्नत कश्मीर का। कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी ने खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। बर्फीले नजारों के बीच अगर गीत संगीत की महफिल भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा। तो ऐसी ही गीत संगीत की सुरीली महफिल में अब आपको लिए चलते हैं। ये महफिल सजी है पुंछ में, जहां कलाकारों ने अपनी धुनों से समा बांध दिया। तो
बीते 3 बरस से कश्मीर की तस्वीर तेजी से बदलती जा रही है। कला संस्कृति से लेकर कई सुनहरे और यादगार रंग फिर से खिलने लगे हैं। सर्दी और सुरों से जुड़ा ऐसा ही एक रंग है विंटर फेस्टिवल फ्रोजन फिस्टा। पुंछ में संगीत और सुरों की महफिल जब सजी तो नजारा कुछ ऐसा था। जब देश भर में नए साल की तैयारी जोर शोर से की जा रही है तो कश्मीर कैसे पीछे रह सकता है। भारतीय सेना की रोमनियो फोर्स की मदद से पुंछ में इस खास फेस्टिवल का आयोजन किया गया जिसमें घाटी के अलग अलग बैंड्स ने हिस्सा लिया। इस एरिया की तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी और इससे पहले यहाँ पे माहौल भी नासाज होते थे कि ऐसा कुछ कर पाना यहाँ के लिए बड़ा मुश्किल था और आज हम बड़ा खुशी का माहौल महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन करी है और इसमें दूर दूर से लोग देश के कोने कोने से यहाँ पे लोग आ रखे हैं जो टूरिस्ट करके। मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इनोसेंट यू कैन से, और जो इंडियन आर्मी है और उनके बीच का जो रिश्ता है वो बहुत ही अच्छा है। वी आर थैंकफुल टू देम कि पुंछ को टूरिज्म मैप पे लाने के लिए और ये टूरिस्ट लाने के लिए वी आर रियली थैंकफुल टू देम। कहते हैं खुशी को जाहिर करने का सबसे अच्छा तरीका म्यूजिक ही होता है। ऐसे में कड़ाके की ठंड में इस विंटर फेस्टिवल की धूम है जिसमें संस्कृति के सुर भी हैं, लोकगीतों की ताल भी है और मॉडर्न म्यूजिक का खुमार भी है। अगर आप भी कश्मीर में नया साल सेलिब्रेट करने की सोच रहे हैं तो घाटी के खूबसूरत नजारों के साथ साथ गीत संगीत की ऐसी महफिलें भी आपका दिल खुश कर देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात करेंगे केदार धाम की जो इस वक्त बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। बाबा के धाम के कपाट बंद है लेकिन इस माइनस डिग्री में भी कुछ तपस्वी यहां पर कठिन तप में लीन है। कौन है वो तपस्वी जो कि कपाट बंद होने के बाद भी बाबा केदार के दरबार में धुनी रमाए हुए हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चारों धाम बर्फ की सफेद चादर से ढके हैं। बर्फबारी ऐसी कि इंसान जम जाए, लेकिन बाबा केदार के द्वार पर बर्फबारी और कपकपाती ठंड के बीच कई साधु तपस्या में लीन दिखते हैं। इन्हीं में से एक हैं ललित रामदास महाराज, जिनकी साधना के आगे चारों तरफ गिरी बर्फ और जमा देने वाली ठंड भी बेअसर दिखती है। शायद इसीलिए इन्हें बाबा बर्फानी कहा जाता है। इसे बाबा केदार का चमत्कार ही कहेंगे कि ललित महाराज साल भर केदारनाथ धाम में माइनस टेम्परेचर की कड़कड़ाती सर्दी में भी ध्यान करते हैं और समाधि में लीन रहते हैं। वो कभी केदारनाथ मंदिर के सामने आसमान से गिरती बर्फ के बीच ध्यान करते नजर आते हैं, तो कभी बर्फीले झरनों के किनारे साधना में लीन दिखते हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदाचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा। ललित रामदास महाराज पिछले कई सालों से केदारनाथ धाम में ही रह रहे हैं। केदारनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर पुराने पैदल मार्ग पर इनका आश्रम है। यात्रा सीजन में ये अपने आश्रम में साधु संतों और यात्रियों के लिए भंडारा करवाते हैं, साथ ही लावारिस पशुओं की सेवा भी करते हैं। शीतकाल में मौसम की बेरुखी के बीच अगर कोई भूला भटका मुसाफिर इन तक पहुँचता है तो उसे आश्रय भी देते हैं। प्रवीण सेमवाल, रुद्रप्रयाग, गुड न्यूज टुडे। केदारनाथ के ये तपस्वी तो आपने देख लिए, अब आपको दिखाते हैं दुनिया से आई 2 दिलचस्प तस्वीरें। इस वक्त कनाडा और अमेरिका बर्फ की चादर से ढके हैं। इन दोनों मुल्कों में इस बार बर्फबारी ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। पहली तस्वीर कनाडा की है जहां बर्फ ने जिंदगी को अपनी आगोश में ले लिया है।
आप देख सकते हैं कि कैसे कनाडा में लाइन से बने घर बर्फ के समंदर में समा गए। बर्फ की सफेद चादर से ढके ये घर किसी मूर्तियों जैसे लग रहे हैं। वहीं अमेरिका के शहर बफेलो में इतनी बर्फ गिरी है कि यहां बर्फ को हटाने के लिए बुलडोजर्स को काम पर लगाना पड़ा है। तो बर्फबारी की तस्वीरें तो आपको हमने दिखा दी हैं, अब कुछ पहल की बात भी कर लेते हैं और ले चलते हैं आपको एक ऐसे स्कूल में जहां पर बच्चों के मन में स्पेस साइंटिस्ट बनने का सपना संजोया जा रहा है। और ये स्कूल यूपी में है। यहां पर गांव वालों ने चंदा जुटाकर इस सरकारी स्कूल में एक स्पेस लैब बनवाई है और अब इस कदम के शानदार परिणाम भी सामने आने लगे हैं। यूपी के सिद्धार्थ नगर के सरकारी स्कूल में बच्चों को खुली आंखों से सपने देखने की तालीम दी जाती है। न सिर्फ तालीम दी जाती है, सपनों को साकार करने का हुनर भी सिखाया जाता है। इसलिए यहाँ ज्ञान की दुनिया सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, अनंत अंतरिक्ष को कुछ यूं बच्चों के करीब लाया गया है। भनवापुर ब्लॉक के हसुडी ओसानपुर गाँव के इस स्कूल के बच्चों के लिए अब चंदा मामा सिर्फ दादा दादी की कहानी का हिस्सा भर नहीं है। जब से स्पेस लैब बनी है, इन बच्चों के ज्ञान की दुनिया का विस्तार हो गया है। हमारे यहाँ स्पेस लैब नहीं थी तो हम लोग सौरमंडल के बारे में ही जानते थे, इससे ज्यादा हम लोग सोच नहीं पाते थे। और जब से स्पेस लैब बनी तब से हमें बहुत फायदा हुआ। पहले पता था कि चंद्रमा पे दादी ही रहती हैं, पर जब से स्पेस लैब लगा हम टेलीस्कोप से देखे तो हमने सोचा यहाँ पर दादी तो नहीं है, इस पे गड्ढे के सिवा और कुछ भी नहीं है। रॉकेट के बारे में, एरोप्लेन के बारे में, हम लोग ड्रोन उड़ाते हैं, प्लेन उड़ाते हैं। अब अंतरिक्ष इन बच्चों के लिए अबूझ पहेली नहीं, स्पेस से इनका गहरा रिश्ता जुड़ चुका है और हर दिन इनकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। स्पेस लैब लगने की वजह से हमें सौर मंडल के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है और सैटेलाइट्स कैसे बनती हैं, सैटेलाइट्स का काम क्या होता है, ये सब भी जानने को मिला है, जो कि पहले हमें स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता था। स्कूल में सिर्फ सोलर सिस्टम तक ही पढ़ाई होती थी, उसके बाद हमें कुछ भी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन लैब्स लगने के बाद हमें बहुत कुछ पता चला है और हम सोचते हैं कि हम आगे जाकर भविष्य में स्पेस के बारे में पढ़ाई कर सकते हैं। स्कूल के बच्चों की स्पेस साइंस में रुचि को देखते हुए ग्राम प्रधान ने पूरे गांव के सहयोग से 8 लाख रुपए जुटाए और व्योमिका स्पेस एकेडमी से कॉन्ट्रैक्ट कर स्कूल में स्पेस लैब बनवाई। जहां अक्सर स्कूलों के बारे में कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों में सिर्फ बच्चे खाना खाने आते हैं और ड्रेस के लिए आते हैं, उस धारणा को मैंने तोड़ने के लिए कि नहीं, उत्तर प्रदेश के स्कूल ऐसे भी हैं कि बच्चे वहां पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के साथ साथ अब अंतरिक्ष के भी सपने देखते हैं और अब उनके अंदर आईएएस पीसीएस के अलावा साइंस स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि बढ़ रही है और आने वाले समय में वो कल्पना चावला और कलाम साहब बन के देश की सेवा करना चाह रहे हैं। कि जैसा कि कलाम साहब भी एक गांव से ही आए थे, मुझसे भी छोटा गांव था वो, तो हो सकता है मेरे गांव से, मेरे जिले से अगला कलाम यहीं से निकल के सामने आए। स्कूल की स्पेस लैब में 1980 से अब तक लॉन्च की गई सैटेलाइट के मॉडल्स रखे गए हैं। इतना ही नहीं, इन मॉडल्स के जरिए 2030 तक प्रक्षेपित किए जाने वाली सैटेलाइट की जानकारी भी बच्चों को मुहैया कराई गई, ताकि इस गाँव के बच्चे स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहें और अपने परिवार, गांव और देश का नाम रोशन करें। अनिल तिवारी, सिद्धार्थ नगर, गुड न्यूज टुडे। नेपाल के वीरगंज में बना एडवेंचर पार्क न केवल नेपाल बल्कि बिहार और उत्तर प्रदेश के पर्यटकों को भी लुभाने के लिए तैयार हो गया है। नए साल के अवसर पर इस इलाके में लोगों के लिए यहाँ एक खास स्पॉट बन रहा है। इसमें स्काई साइकिलिंग, स्काई डाइविंग जैसे एडवेंचर गेम्स हैं, इसलिए इसका नाम वर्ल्ड ऑफ वंडर दिया गया है। हवा में साइकिल चलाने का करना हो एहसास, पानी में नाव का लुत्फ उठाने का हो मिजाज, तो पहुंच जाइए नेपाल के वीरगंज जनाब। यहां तरह तरह के एडवेंचर का आप मजा ले सकते हैं। नए साल के मौके पर लोगों को लुभाने के लिए ये एडवेंचर पार्क यहाँ तैयार है। इसमें स्काई साइकिलिंग, स्काई डाइविंग जैसे एडवेंचर गेम है, जिसके चलते इसका नाम वर्ल्ड ऑफ वंडर दिया गया है। वीरगंज के 5 युवाओं ने मिलकर इसकी परिकल्पना की थी, जो अब बनकर न सिर्फ तैयार है बल्कि शुभारंभ भी हो चुका है। वीरगंज के युवा उद्योगपतियों के संचालित इस पार्क में रॉक क्लाइंबिंग, पारा ग्लाइडिंग, इंडोर गेम्स समेत अलग अलग तरह के खेल और मनोरंजन की सुविधा है।
लोग यहाँ इन सब का लुत्फ उठाने पहुँचने भी लगे हैं। ये पार्क नेपाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार के पर्यटकों को लुभाने के लिए तैयार है। बिहार के कई शहरों से लोगों ने बुकिंग कराने शुरू भी कर दी है। बताते हैं कि गुजरात के नवसारी के सुपा गांव में हुई भजन संध्या को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। दरअसल यहां पर बुधवार की रात गुजराती भजन गायक कीर्ति दानगढ़वी और उर्वशी रतड़िया ने जैसे ही अपनी गायन कला का प्रदर्शन शुरू किया तो नोट बरसने लगे। हजारों की संख्या में आए लोगों ने धर्मार्थ 10, 20, 50 और 100 रुपयों की इतनी बारिश की। भजन संध्या का मकसद पूरा हो गया। लोगों ने करीब 40 लाख रुपए गायक पे ही लुटा दिए। वैसे आपको बता दें कि दानगढ़ी ने भजनों पर अक्सर नोट पाए हैं। लगता है 40-50 लाख रुपए से ज्यादा दान ऑलरेडी मिल चुका है और बहुत रुपए की जरूरत है, क्योंकि जो गांव के पिछड़े लोग हैं, जो हॉस्पिटल जाने से डरते हैं, जो हॉस्पिटल जा नहीं सकते पैसों की वजह से, पैसों की तकलीफ की वजह से, उन लोगों के लिए पर्टिकुलर ये पूरी डॉक्टर की टीम, 100 डॉक्टरों की टीम काम कर रही है और ये भगीरथ कार्य की शुरुआत आज हो गई है आज। और मुझे आनंद है कि इस ट्रस्ट में मुझे भी उन्होंने विनती की तो मैं भी जुड़ गया हूँ। आम हो या खास, फिटनेस सभी के लिए जरूरी है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी जितेंद्र मणि ने फिटनेस की अनूठी नजीर पेश की है। कभी उनका वजन करीब 130 किलो हुआ करता था, लेकिन पक्के इरादे और मेहनत और संयम के बूते जितेंद्र अपना वजन कम कर 84 किलो पर ले आए हैं। महज 8 महीने में जितेंद्र मणि ने अपनी कमर का साइज 46 से घटाकर 34 कर दिखाया और ऐसा करने से सेहत के मामले में इस पुलिसकर्मी को काफी फायदा हुआ है। कभी जितेंद्र का कोलेस्ट्रॉल लेवल 500 तक जा पहुंचा था, जिसे उन्होंने घटाकर 150 कर दिया है। जितेंद्र मणि ने डाइट कंट्रोल और रेगुलर एक्सरसाइज के दम पर यह उपलब्धि हासिल की। वो कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट लेते हैं और रोजाना 15,000 कदम चलते हैं। इस कामयाबी के लिए जितेंद्र को दिल्ली पुलिस ने सम्मानित भी किया है। मॉर्निंग वॉक 12 किलोमीटर या 15,000 स्टेप का रखते हुए लगभग 4.5 लाख पर मंथ और 8 महीनों में 32 से 35 लाख कदम मैं चला, और मैंने अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से निकाला और इसकी जगह सलाद डाइट, फ्रूट डाइट और प्रोटीन डाइट को शामिल किया। राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल ने थाईलैंड में हुई 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर राजस्थान और देश का नाम रोशन किया है। 2 बच्चों की मां प्रिया की शादी 8 साल की उम्र में ही हो गई थी, लेकिन प्रिया ने अपनी हिम्मत और लगन की बदौलत वो मुकाम हासिल कर लिया जो आसान नहीं था। प्रिया सिंह अपने सपनों के लिए जिम ट्रेनर की नौकरी करती है और अपने परिवार का ख्याल रखती है। प्रिया सिंह का कहना है कि उसकी बेटी ने उसे बॉडी बिल्डिंग में कार्य बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। मैंने थाईलैंड में मेडल जीता है। ये 39वां वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप थी और इसमें अनेक कंट्रीज से लोग आए थे, बहुत देशों से आए थे। आज मेरी बेटी नहीं होती ना तो मैं आज यहाँ नहीं होती। उसने मुझे संभाला है, खाने पीने से लेकर कपड़े देने तक, मैं कब आऊंगी कब जाऊंगी, मेरा क्या शेड्यूल है, मुझसे ज़्यादा उसने समझा है। मेरा आगे लक्ष्य है यूनिवर्स जाना, ओलंपिया जाना, फिर उनके आगे कुछ स्टैंड नहीं है।